नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आई एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी की बड़ी सौगात, कुशीनगर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, 2 करोड़ लोगों को होगा फायदा। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, अब तक 46 लोगों की मौत, केरल के 11 जिलों में भी येलो अलर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,623 केस दर्ज, 197 लोगों की मौत। मंदिरों का 2000 किलो सोना गलाने की तैयारी में तमिलनाडु सरकार, हाईकोर्ट से रोक की मांग। अमेरिका ने की बांग्लादेश हिंसा की निंदा, कहा सभी को धर्म या आस्था चुनने की स्वतंत्रता। अफगानिस्तान के मुद्दों पर मॉस्को फॉर्मेट में बैठक आज, भारत और तालिबान भी होंगे शामिल। उत्तर कोरिया ने लॉन्च की पनडुब्बी से दागे जाने वाली ब्लैकलिस्ट मिसाइल, बता दें ये साल का 8वां परीक्षण है। आईएमएफ की नौकरी छोड़ेंगी गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन के बाद आईएफएम में इस पद तक पहुंचने वाली गीता दूसरी भारतीय के साथ ही इस पद की पहली महिला प्रतिनिधि रहीं। कपिल देव बोले, हार्दिक पांड्या के गेंदबाजी करने से भारत की संभावनाओं पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्रूज ड्रग्स केस में 17 दिनों से गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज अदालत सुनाएगी फैसला। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।